नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हम अनजान रहते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जहरीले होने के साथ हमारे शरीर को अमृतीय गुण प्रदान करते हैं, पर इनके बारे में अनजान होने के कारण हम इन पौधों से दूर रहते हैं। इसी प्रकार का पौधा होता है आग का पौधा, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आइए जानें क्या है आग। आग के पौधे को मंदार, आग या पारद अकोआ के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है, जो गर्म और शुष्क जमीन पर उगता है। इसके पत्ते हरे और मोटे आयताकार होते हैं, जो करीब 4 इंच लंबे और 2 इंच चौड़े होते हैं। इसके फूल गंधहीन, फल 2 से 3 इंच लंबे और मुड़े हुए, और बीज महीन रेशम के समान गुच्छेदार रुई युक्त छोटे और चपटे होते हैं। इसकी डालियों और पत्तों को तोड़ने पर दूध निकलता है, जिसका आंखों में पड़ना घातक होता है। आग के और भी अन्य नाम है, जैसे आग को अंग्रेजी में क्राउन फ्लावर कहा जाता है, और इसका बोटेनिकल नाम है कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया। इसे आक, आकड़ा, अकुआ मदार, अकवन, अक आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी कई उप प्रजातियां होती हैं, जिनके फूल सफेद, नीले, हल्के जामुनी या सफेद मिश्रित जामुनी होते हैं। आज हम आपको आक के पौधे के कुछ ऐसे औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। आइए जानें विषैला पौधा होने के बावजूद आग के औषधीय गुणों के बारे में। नंबर 1, अस्थमा। इसके फूलों को सुखाकर रोजाना इसका चूर्ण खाने से अस्थमा, फेफड़ों के रोग और शरीर की कमजोरी दूर होती है। नंबर 2, खुजली। त्वचा में एलर्जी या रूखेपन के कारण खुजली की समस्या हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए इसकी जड़ को जला लें। इसकी राख को कड़वे तेल में मिलाकर खुजली वाली जगहों पर लगाएं, खुजली की परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 3, डायबिटीज। रोजाना सुबह इस पौधे की पत्तियों को पैर के नीचे रखकर जुराबें डाल लें। रात को सोने से पहले पत्तियों को निकाल दें। इसके नियमित इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 4, कुष्ठ रोग। इसकी पत्तियों को पीसकर सरसों के तेल में मिक्स करें, इसे कुष्ठ रोग के घाव पर लगाएं। इसे नियमित रूप से लगाने पर घाव जल्दी भर जाएंगे। नंबर 5, कांटा लग जाने पर। हाथों या शरीर पर कांटा लग जाने पर काफी दर्द होता है, और इसे निकालना भी मुश्किल होता है। इसके लिए आप आग के दूध को उस जगह पर लगाएं जहां पर कांटा लगा हुआ हो। थोड़ी देर बाद कांटा बाहर निकलते हुए दिखाई देने लगेगा। नंबर 6, आंखों का दर्द। आंखों में होने वाली तकलीफ के समय इसके दूध को पांव के अंगूठे पर लगाकर मालिश करने से आंखों का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 7, झड़ते बाल। इससे निकलने वाले दूध को यदि झड़ते बालों में लगाया जाए तो उस स्थान पर बाल आ जाते हैं। नंबर 8, चलती गाड़ी में उल्टी आना। अगर किसी को चलती गाड़ी में उल्टी आती हो, उसे जिस तरफ की श्वास ज्यादा चल रही हो उस पैर के नीचे इसके पत्ते रखने चाहिए। इससे यात्रा में कोई तकलीफ नहीं होगी। पर दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों को भी नोट कर लें, जैसे औषधीय उपयोग में केवल सफेद आग का ही उपयोग करना चाहिए। नीली प्रजातियां अधिक विषैली होती हैं और उनका उपयोग खाने में नहीं किया जाता, केवल बाहरी उपयोग में ही किया जाता है। आग के पौधे का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह काफी जहरीला होता है, और इसका उपयोग करते समय अपनी आंखों को इससे दूर रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमारी ये आग के गुणों से भरपूर
लाभदायक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।